कांगड़ा प्राथमिक कृषि और ग्रामीण बैंक के प्रदेश अध्यक्ष कमल नयन ने सोलन में कहा कि प्रदेश सहकारिता के क्षेत्र में बेहतरीन कार्य कर रहा है। उन्होंने कहा कि उनके हिमाचल प्रदेश में 82 बैंक है जो कि जमीन पर बिना किसी गारंटी के युवाओं को कार्य करने के लिए लोन देते हैं। कांगड़ा प्राथमिक कृषि और ग्रामीण बैंक के अध्यक्ष कमल नयन ने बताया कि उनके बैंकों ने बीते वर्ष में 29 करोड़ का लोन किसानों, बागवानों, युवाओं को रोजगार देने के लिए दिया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार सहकारिता को लेकर बेहद संजीदा है, जिसके लिए केंद्र सरकार ने एक अलग ही मंत्रालय बनाया है। उन्होंने कहा कि लोगों को सहकारिता के क्षेत्र से लाभ लेकर आत्मनिर्भर बनना चाहिए। उन्होंने कहा, कांगड़ा कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, आज के समय में किसानों, बागवानों, गरीब मजदूर, गांव में रहने वाला जो व्यक्ति है, उस व्यक्ति के लिए ज़मीन के ऊपर लोन उपलब्ध करवाता है, किसी गारंटी की ज़रूरत नहीं होती है। दिसंबर तक हमने लगभग 29 करोड़ का जो टोटल लोन है वो भिन्न भिन्न क्षेत्रों में हमने वितरित किया है। हिमाचल प्रदेश में जो एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट बैंक है और कांगड़ा एग्रीकल्चर बैंक है, उसकी मिलाकर के टोटल 82 ब्रांचेज हैं। भारतीय जनता पार्टी सहकारिता प्रकोष्ठ पूरे प्रदेश में काम कर रहा है। मैं लोगों से ये अपील करना चाहता हूँ कि सहकारिता के क्षेत्र में बढ़ चढ़ कर के काम करें। भारतीय जनता पार्टी सहकारिता के क्षेत्र को लेकर के कितनी चिंतित है, इस विषय का पता हम अनुमान इसी चीज़ से लगा सकते हैं कि आज़ाद इतिहास में, आज़ाद भारत के इतिहास में पहली बार एक इंडिपेंडेंट मंत्रालय जो है वो कोऑपरेटिव को लेकर के देश के अंदर उसका गठन हुआ है और आदरणीय अमित शाह जी इसके मंत्री हैं।